हरियाणा की हॉट सीट जुलाना, कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट को यहाँ से टिकट दिया है और एक बड़ा दांव चल दिया है कांग्रेस ने, और अभी तक बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ नहीं आया है। और 2005 के बाद जुलाना से कांग्रेस नहीं जीत पाई है। 2009, 2014, 2019 तीन चुनाव से लगातार कांग्रेस यहाँ हार रही है। पिछला जो चुनाव था उसमें कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी, धर्मेंद्र सिंह ढुल यहाँ से प्रत्याशी थे। 1,90,000 के आस पास यहाँ के कुल वोटर हैं जुलाना हल्के में, और उसमें से लगभग 50% के आसपास जाट समुदाय के वोटर हैं। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जुलाना हल्के के, इनसे बातचीत करेंगे। विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दी है, उसके बाद जुलाना हल्के का क्या माहौल है, बीजेपी के कैंडिडेट का सबको इंतज़ार है कौन आता है, और डॉक्टर सुरेंद्र लाठर उनका एक चर्चाएँ चल रही हैं, उनको मिल सकती हैं, संदीप लोहान कई प्रत्याशी लाइन में हैं वो देखते हैं। लेकिन विनेश फोगाट के बाद हल्के में किस तरह का माहौल है जी? नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? रविंदर, सरपंच जमोला। रविंदर सरपंच जमोला, हाँ जी। जी बताओ किस तरह का माहौल अभी कांग्रेस ने विनेश फोगाट को टिकट दिया? पूरे जुलाना हल्के में बिल्कुल खुशी का माहौल है जी, और पूरे जुलाना बिल्कुल जीत के प्रति आश्वस्त है, गदगद है। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जुलाना विनेश फोगाट पहलवान को यहाँ से जीता कर भेजेगा। क्या किलोई का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल, भूपेंद्र हुड्डा जहाँ किलोई से चुनाव लड़ रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा से ज्यादा वोटों से जुलाना हल्का जिताएगा। हाँ, क्योंकि अभी तक तो किलोई सबसे ज्यादा रहता है। हाँ, अब की बार किलोई का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, जुलाना में टूटेगा। जुलाना में टूटेगा, ऐसा क्यों होने जा रहा है? जींद राजनीतिक पोलिटिकल कैपिटल ऑफ हरियाणा सभी कहते हैं कभी से, जींद राजधानी है जी, वो तो राजधानी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए है ये। तो कांग्रेस के जो बहुत सारे नेता 86 कैंडिडेट यहाँ से टिकट मांग रहे थे, सभी कांग्रेस के साथ रहेंगे? देखिए, आज विनेश अपने गांव आई है। हाँ। और इनका सम्मान समारोह रखा था चौगामा सर्वजातीय खाप की तरफ से, और इसमें जो 86 उम्मीदवार थे उसमें से 80-82 उम्मीदवार तो आज यहाँ सभी आए हैं। एक दो चार जो टाइम से या कहीं बिजी शेड्यूल है या दिल्ली है वो नहीं आ पाए, नहीं तो 80-82 कैंडिडेट जो जुलाना से टिकट मांग रहे थे वो सभी यहाँ आए हैं, अभी मिलकर गए हैं। बिल्कुल सभी ने सम्मान किया है, मतलब सब इनके साथ हैं। हाँ बिल्कुल, सभी उनके साथ हैं। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार जी। गांव कौन सा आपका? बख्ताखेड़ा जी। बख्ताखेड़ा, इसी गांव से आप? हाँ जी। हैं, ठीक है। बताओ गांव में किस तरह का, छोटा गांव है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस गांव के ऊपर आ गई? बहुत बढ़िया माहौल है जी, छत्ती बरादरी जी का साथ है और एक तरफा जीत है, बहुत भारी जीत होगी। कितने वोट हैं इस गांव में? लगभग 1700-1800 वोट हैं। ठीक है। हाँ, तो इनके जो ससुर है राजपाल लाठी, गांव के सरपंच भी रहे हैं क्या पहले? सरपंच रहे हैं जी, पहले सरपंच। हाँ। यानी कि राजनीति तो परिवार में रही है। हाँ जी, से, ना? हाँ जी। ठीक है, तो पूरा गांव आजकल हम देख रहे थे जब ये विनेश गांव में आई, पूरी महिलाएं स्वागत के लिए गलियों में खड़ी थी, मंदिर के आसपास ही बहुत अच्छा स्वागत हुआ है और भारी वोट जीतेगी। ठीक है, पूरे जुलाना हल्के का क्या आप सियासी समीकरण देखते हो आप? बहुत अच्छा जी, विनेश के पक्ष में है। विनेश के पक्ष में रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। अभी यहाँ जुलाना हल्के से सबसे बड़ी जीत अमरजीत ढांडा की हुई थी पिछले चुनाव में, तो इस बार का समीकरण? विनेश फोगाट सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी जी। सारे रिकॉर्ड? हाँ, तोड़ देगी। हाँ जी, ठीक है। आप बताओ, नमस्कार, क्या नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम सुभाष राठी। सुभाष राठी, हाँ जी। और गांव कौन सा आपका? खेड़ा बख्ता जी। अच्छा, इसी गांव से हो? हाँ जी। ठीक है, बहुत बधाई आपके, तो गांव की बहू बेटी है, टिकट मिली है आपको तो? है। हाँ जी, टिकट पूरे गाँव की 36 बिरादरी में खुशी है इस बात की? तो हमारे गाँव की जी पूरी 36 बिरादरी हर जाति का मतलब विनेश के साथ है जी, और हम जैसे 9वीं-10वीं में पढ़िया करते उस टाइम थोरम हार दी जी, और वो थोरम पूरी करना है बात क्या कर दे, इति इति सिद्धम। तो आप इसका इति इति सिद्धम का मतलब है आप पौड़ी से हमारे साथ चले थे जी, वहाँ से चले जब कितनी गाड़ियाँ थी 100-150 और यहाँ तक आए जब 1100-1200, तो वो कहाँ से आ गई? आप जुलाना में आए हो, जितनी महिलाएं थी, सेठानी थी, सेठ थे, सब दुकानों से बाहर आके ना अपनी बेटी के ऊपर फूल भी बरसाए हैं, उनको ठंडे भी पिलाए हैं, किसी ने उनको जूस पिलाया है, किसी ने पानी पिलाया है, उनका बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान किया है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि ये सब के रिकॉर्ड तोड़ेगी इति इति सिद्धम। जब से इसको टिकट मिली है तब से ब्रिजभूषण बार बार बयान दे रहा है कि इसने जो छोटे पहलवान थे उनका हक खाया है और जैसा इन्होंने किया है ऐसा ही फल इनको मिला है, बार बार इस तरह के बयान उसके आ रहे हैं।
भाई जी देखो ब्रजभूषण वाली बात बताऊं, जंतर मंतर पर जब अपनी बेटियां घसीटी गई थी उस टाइम उसने ये कहा था ये चले हुए कारतूस हैं। तो उसके एक साल बाद ये ओलंपिक हुआ, उसने ये दिखा दिया ये कारतूस कैसे हैं। 82 बार जीती हुई सुसाकी को इसने इस तरह पटकनी दी कि उस टाइम सरकार की ब्रजभूषण की एक ये प्लान थी कि इस लड़की को इसके साथ कुश्ती में लड़ा दो, ये पहले ही कुश्ती में बाहर हो जाएगी, अपने भी देश में चली जाएगी। लेकिन वो विनेश ना अपने भुजाओं के बल से उसने ये दिखा दिया कि मैं कहीं किसी से कम नहीं हूँ। उसके बाद तीनों के तीनों नमस्कार जी, तीनों के तीनों कुश्ती जीत के न और वो फाइनल में पहुंच गई। जब वो तीनों कुश्ती जीती उसका वेट सही था तो, और जहाँ जैसे कांटा अपना पर्सनल कांटा ले रहे थे यहाँ कांटा रखा था उस पर वजन करके न अकबर ठीक है अब अपना वेट कराओ, यहाँ से गाड़ी खड़ी 10 कदम दूर जाने के बाद 100 ग्राम वजन कैसे बढ़ गया। अच्छा, पहले वजन आपको ठीक, पहले वजन कराया था, कोच होते हैं जो इसके स्टाफ था वो सारे साथ थे, उन्हें पूरा मतलब इसका वेट करके ना जब 10 कदम आगे जाके बताया था अब आप वेट करो। क्या मशीन में गड़बड़ हुई फिर? ये तो जी वो जाना है। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ जैसे विनेश फोगाट फाइनल में जाने से चुकी थी उसके बाद इस तरह माहौल बनाया कि भाई इसको रोका गया है कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई साजिश है, उसके बाद लोगों का एक भावनाएं इसके साथ जुड़ी थी, उसका असर रहेगा इस चुनाव में? चुनाव तो बहुत बढ़िया चुनाव बनेगा, लाखों ही जीत होगी विनेश फोगाट राठी की। अच्छा, जितने 90 हल्के हैं ना इस 90 सारे हल्के में पहली जीत विनेश फोगाट की होगी। अच्छा, नाम क्या आपका? सुभाष। सुभाष, गांव कौन सा आपका? गांव राजगढ़। गांव राजगढ़, ठीक है, जुलाना हल्के में आता है? जुलाना हल्के में। ठीक है, यानी आपका कहना है सबसे बड़ी जीत जुलाना हल्के होगी? ठीक है, क्या मुद्दे रहेंगे एक पहलवान और आम लोगों से राजनीति में तो सबसे मिलना जुलना, क्या क्या लगता है कि ये सबसे तारतम्य बिठा पाएगी? 100-100 वोट, 100 की 100, 100 लाखों वोट होगी। अच्छा, लाखों की जीत होगी? जीत। क्या काम करते हो आप? खेती करते? खेती करते हैं। ठीक है, तो गांव में यहाँ जुलाना हल्के में जाट बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं, क्या सभी बिरादरी के लोग साथ रहेंगे? सब साथ रहेंगे। अच्छा, सब छोटी जाति बड़ी जाति सब बराबर रहेंगे? सब बराबर रहेंगे। ठीक है, और क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान यहाँ आई है युवाओं के लिए लड़कियों के लिए उनको आगे बढ़ाने में कुछ अच्छा कर पाएंगी, इलाके में जागरूकता बढ़ेगी? पूरा योगदान देगी, खिलाड़ी और खिलाड़ी बनेंगे इस हल्के से। ठीक है, कुछ और लोग हैं इनसे बातें करेंगे। जी बाबूजी नमस्कार। भाई नमस्कार। अच्छा, इनसे बात करते हैं। ठीक है, क्या नाम आपका? वेद प्रकाश। अच्छा, वेद प्रकाश, गाँव कौन सा है? खेड़ा बत्ता। अच्छा, इसी गाँव से? इसी गाँव से। बहुत बधाई आपको तो है। हाँ जी बिल्कुल, आप सभी को सारी शुभकामनाएं। किस तरह का इलेक्शन रहेगा आप इसका विनेश का बताओ? एक तरफा बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल एक तरफा। ठीक है, हाँ जी। सभी जो एक मतलब बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो कास्ट की राजनीति करती है, क्या सभी जातियों के लोग साथ हैं? विनेश के आने के बाद कोई जाति पाति नहीं है, लोगों में जज्बा है, जुनून है। ठीक है, इस सीट के अलावा जो आस पास की सीटें हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। अच्छा जी, मतलब जुलाना के आसपास की सीटें भी कांग्रेस के पक्ष में? हाँ, उसके उनके पक्ष में ही माहौल बनेगा। ठीक है, और अभी हम देख रहे थे कि इनका जब काफिला आया था तो करीब 3 किलोमीटर लंबा काफिला था, पूरा लोगों में जुनून था, चुगामा खाप के बहुत सारे हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे। चुगामा खाप में कौन कौन से गांव आते हैं? चुगामा गांव में जी 6 गांव आते हैं। हाँ, गढ़वाड़ी, खेड़ा, खरेटी, करेला, जमोला और जजवंती। अच्छा, हाँ जी। तो ये इन गांव का मूड माहौल सभी गांव का 100% बिल्कुल 100% विनेश की तरफ? विनेश की साथ। अच्छा, और अब जब से ये कांग्रेस में इन्होंने ज्वाइन किया, कांग्रेस ने टिकट दी, उसके बाद अनिल विज का एक बयान आया अब विनेश देश की बेटी ना होकर सिर्फ कांग्रेस की बेटी रह गई है। नहीं नहीं, इसके सामने विज के या किसी और के बयान कोई मायने नहीं रखते। अच्छा, कोई बयान नहीं रखते? कोई मायने नहीं। आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो जी? श्रीमान जी, ऐसी अच्छी बात तो वही लोग करेंगे जो इसको अपनी बेटी नहीं मानते। अच्छा, ये देश की बेटी, देश की धरोहर है, देश देश की बेटी है, देश की धरोहर है। ठीक है, क्या देश क्या नाम आपका? मैं दीपक सरपंच बैरोखेड़ा। दीपक सरपंच बैरोखेड़ा, ठीक है। हाँ, ये जो बयान दिया है इन्होंने विज ने, हाँ, ऐसी अच्छी बात तो वही आदमी करेगा जिसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, मानसिकता छोटी है, मानसिकता छोटी है। ठीक है, क्या मूड मिजाज है इस हल्के का? एक तरफा मूड भाई। पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस जीती नहीं है जुलाना हल्के से?
पिछले 3 प्लान से नहीं जीती है, लेकिन अब ब्रह्मचारी के टाइम पे भी दिखा दिया था, मूड है पब्लिक का और अब भी दिखा देंगे। अच्छा, अब भी दिखा देंगे। कैसा मुकाबले में रहेंगी या किस तरह का चुनाव रहेगा? कोई मुकाबला नहीं किसी के साथ, मुकाबले में कोई है ही नहीं इसके। मुकाबले में कोई है ही नहीं है, ठीक है। चलो, ये गाँव के बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ मुकाबले में कोई नहीं है, और जुलाना से पिछले 3 चुनाव से 2009, 2014, 2019 से लगातार कांग्रेस की यहाँ हार हो रही है। 2000 और 2005 में लगातार 2 प्लान आईजी शेर सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे, और उसके बाद 2009-14 में परमेंद्र ढुल इनेलो की टिकट पर यहाँ से विधायक बने, 2019 में अमरजी ढांडा यहाँ जेजेपी की टिकट पर विधायक बने थे। जुलाना हलके से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड अमरजी ढांडा के नाम है, उन्होंने परमेंद्र ढुल की जीत का रिकॉर्ड तोड़ा था, उससे पहले परमेंद्र ढुल के नाम था। जुलाना हलके से 3 नेता ऐसे हुए हैं जो लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं, 1 बार चुनाव हारने के बाद यहाँ से दोबारा फिर कोई नहीं जीत पाता। 1982-1987 में कुलबीर मलिक गतौली गांव के 2 बार विधायक रहे लगातार, उसके बाद तीसरी बार वो नहीं बने, और 2000 और 2005 में परमेंद्र सिंह ढुल 2000-2005 में आईजी शेर सिंह कांग्रेसी टिकट पर बने, 2009 और 2014 में परमेंद्र ढुल इनेलो की टिकट पर विधायक बने। ये 3 ही नेता हैं जो 2-2 बार विधायक बने हैं, उसके अलावा कोई तीसरी बार यहाँ से विधायक नहीं बना। सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड यहाँ अमरजीत ढांडा के नाम पर है। पिछली बार कांग्रेस की जुलाना हलके में जमानत जब्त हुई थी, इस बार यहाँ विनेश फोगाट के बाद पूरा माहौल बदल गया है। एक तरफा माहौल, यहाँ लोगों से बातचीत हुई है, चौगामा खाप के बहुत सारे लोग थे, विनेश फोगाट के गाँव से आप ये लाइव वीडियो देख रहे हैं, और गाँव के लोगों ने बताया कि यहाँ शर्मा जी थे कि सभी 36 बिरादरी के लोग ये जात धर्म से ऊपर उठकर जुलाना का चुनाव होने वाला है। आपका क्या कमेंट्स आप करके बताएं कि जुलाना की जो सियासी मिजाज रहा है, ये लोकदली हलका रहा है, यहाँ एक लोकदला गढ़ रहा है, ज़्यादातर समय जुलाना हलके से लोकदल के जो कैंडिडेट हैं वो जीत हासिल करते रहे हैं, लेकिन अब जेजेपी और इनेलो देवीलाल परिवार राजनीति के बिल्कुल शून्य पे आ गया हरियाणा की राजनीति में, और उनको अपनी जो विरासत है बचाने का संकट है, और इस बार जेजेपी का खाता खुल जाए ये बहुत बड़ी गनीमत होगी, ऐसा हरियाणा का जो समीकरण अभी तक दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जैसा कि हमने देखा, जो बुरी तरह से हार मतलब जेजेपी के प्रत्याशियों की हुई थी, इनेलो के प्रत्याशियों की हुई थी, सब जगह जमान जब्त हुई थी, और विधानसभा चुनाव उससे भी ज़्यादा मुश्किल उनके लिए रहने वाला है। उचाणा से दुष्यंत चौटाला खुद फंसे हुए हैं, अमरजीत ढांडा इस बार जो रिकॉर्ड पिछली बार बना था, इस बार उनके ऊपर भी जमानत बचाने का संकट है। चुनाव किस तरह रहेगा आप समीकरण करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।